बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर विच वन इज़ ऑन टॉपिक MS Word 2013। इन फर्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट हेडर एंड फुटर। इन सेकेंड लेक्चर वी लर्न अबाउट टेबल्स, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मॉडिफाई दिस टेबल्स। जस्ट ओपन योर बुक। हेयर इज डिफरेंट ऑप्शंस टू मॉडिफाई टेबल्स। मॉडिफाई टेबल्स वी कैन एड न्यू रोज एंड कॉलम्स, डिलीट रोज एंड कॉलम, स्प्लिटिंग सेल्स, मर्जिंग सेल्स, रिसाइजिंग कॉलम विथ एंड रो हाइट। दीज आर द डिफरेंट ऑप्शन वी कैन यूज टू मॉडिफाई आवर टेबल्स। द फर्स्ट वन इज एडिंग रो एंड कॉलम। इफ वी गो फाइ अगर हम चाहते हैं हमने न्यू रो ऐड करनी है या न्यू कॉलम ऐड करना है, हमारे पास स्टेप सेम है। डिफरेंस हमारे पास कहाँ पर आता है कि हमने अगर कॉलम ऐड करना है तो हम लेफ्ट या राइट पे करेंगे। अगर हमने रो ऐड करनी है तो हम रो अबव करेंगे या बिलो करेंगे। हम अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या आता है, हमने क्या करना होता है, हमने कर्सर की पोजीशन को सेट करना होता है। अब हमारे पास इसने भी पहले स्टेप में क्या बोला हुआ है, पोजीशन द कर्सर इन द रो अबव और बिलो, अबव और बिलो विच अ न्यू रो इज़ टू बी इंसर्टेड। सेकेंड उसने क्या बोला हुआ है, क्लिक ऑन द लेआउट टैब। थर्ड उसने क्या बोला हुआ है, क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो ऑप्शन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अब हमारे पास सेम यही ऑप्शंस हैं। आप देखेंगे हम जब भी रो ऐड टेबल ऐड करते हैं तो हमारे पास एक लेआउट का टैब, एक हमारे पास लेआउट टैब और एक डिज़ाइन टैब एक्स्ट्रा ओपन हो जाते हैं। लेआउट टैब में हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हम रो कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और डिलीट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अब हमने अगर कोई भी रो या कॉलम ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टेबल है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमने हाउस के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे हमने क्या करना है, एक रो ऐड करनी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कर्सर को इधर मूव कर लेंगे, किसी एक सेल में उस कर्सर को ले आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट राइट पे क्लिक कर देंगे तो हाउ एक्टिविटी से पहले क्या हो जाएगा, एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि टू के बाद एक न्यू रो ऐड हो जाए तो हम क्या करेंगे, टू के कर्सर की जो पोजीशन है वो हम टू पे सेट करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, बिलो का इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो टू के नीचे हमारे पास क्या हो जाएगी, रो ऐड हो जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, हमने रो कैसे ऐड करनी है और कॉलम कैसे ऐड करने है। हमारे पास स्टेप सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, हम जब कॉलम ऐड करते हैं तो कॉलम क्या होता है, इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ्ट होता है, और जब हम रो ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हम कर्सर की पोजीशन सेट करते हैं। सेकंड क्या है, लेआउट टैब में जाते हैं। थर्ड क्या है, हम इंसर्ट लेआउट टैब में जाके इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, लेफ्ट राइट ये वाले फीचर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास रो भी